हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीएज के आइसोलेशन के बारे में और उसके प्रोडक्शन के बारे में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोटीएज है क्या और इसका प्रोडक्शन क्यों रिक्वायर्ड हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीएज एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को डिग्रेड करता है। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एंजाइम भी तो प्रोटीन के सब्सटेंस से होते हैं और एक प्रोटीन ही दूसरे प्रोटीन को कैसे डिग्रेड कर सकता है। जब प्रोटीएज एंजाइम के फॉर्म में बनता है तब उसमें एक्स्ट्रा में कुछ उसके डेरिवेटिव्स बनते हैं जिसके कारण ये पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक करता है और इसी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स को और चेन को ब्रेक करने के कारण इस एंजाइम को प्रोटीएज एंजाइम कहा जाता है। वैसे यही माना जाता है कि प्रोटीएज का यूज प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए किया जाता है। पर प्रोटीन फॉर्म कैसे होता है? प्रोटीन फॉर्म होता है अमीनो एसिड की चेन से, यानी कई सारी अमीनो एसिड, यानी लगभग 20 अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं जिससे एक प्रोटीन बनता है और यही पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़कर प्रोटीएज एंजाइम अपना फंक्शन करता है। वैसे केवल पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम ही प्रोटीएज एंजाइम नहीं करता, ये कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स के डेवलपमेंट में भी काम करता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में भी काम करता है और कई प्रोटियोलाइटिक प्रोसेस में भी काम करता है जो कि सेलुलर फंक्शन को कराने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब ये कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स का डेवलपमेंट करता है? जब ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा तब बॉन्ड के टूटने के बाद वो बॉन्ड किसी और के साथ रिज्वाइन होगा जिसके कारण हमारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो डेवलप होगी। इसकी फैमिली में वैसे सीरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड आते हैं, यानी कि यह एंडोपेप्टाइडेज है। साथ में यह एक्सोपेप्टाइडेज का काम भी करता है। पेप्टाइडेज इसलिए बोला गया क्योंकि यह पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है और ये बात तो आपको भी पता होगी कि कोई भी एंजाइम के पीछे एस यानी ASE लगाया जाता है जिससे ये डिटेक्ट किया जाता है कि यह एक एंजाइम है। जैसे प्रोटीएज, अमाइलेज, पेप्टाइडेज, काइनेज एक्सेट्रा। प्रोटीन के सोर्स की बात करें तो प्रोटीन के सोर्स यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन तो हमारी बॉडी में भी होता है और प्रोटीएज भी हमारी बॉडी में बनेगा। जी हाँ, प्रोटीएज भी हमारी बॉडी में फॉर्म होता है क्योंकि कई सारे हमारे सेलुलर फंक्शंस के लिए इन चेन्स को ब्रेक डाउन करना होता है, यानी कि प्रोटीन के तोड़ना होता है अमीनो एसिड के फॉर्म में। इसीलिए प्रोटीएज एंजाइम ह्यूमन बॉडी में भी डेवलप होता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि प्रोटीएज का क्या जरूरत पड़ी। तो जी हाँ, बहुत सारे सेलुलर एक्टिविटीज में, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में और कई सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की वजह से प्रोटीएज एंजाइम का प्रोडक्शन करना जरूरी हुआ। जैसे हमने अमाइलेज की बात की थी कि जब बियर प्रोडक्शन या वाइन प्रोडक्शन किया जाता है तब कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड फॉर्म न मिलकर पॉलीसेकेराइड फॉर्म मिलता है और उसे ब्रेक डाउन करने के लिए अमाइलेज का यूज किया जाता है। वैसे ही जब प्रोटीन का कोई लॉन्ग सोर्स या कहा जाए कि रिजिड फॉर्म कोई मिलता है तो उसे तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम का यूज किया जाता है और प्रोटीन का सोर्स हर जगह यूज होता है। साथ ही आर्टिफिशियल जो प्रोटीन्स प्रिपेयर किए जाते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए भी प्रोटीएज एंजाइम का यूज किया जाता है। यदि हम माने कि प्रोटीएज का सोर्स क्या होगा तो प्रोटीएज के सोर्स मेनली तो प्लांट्स होते हैं, एनिमल, ह्यूमंस और बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। प्लांट्स में प्रोटीएज पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है और यदि ह्यूमन बॉडी में है तो अदर एनिमल्स में भी पाया जाएगा। बस फंक्शन के अकॉर्डिंग इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अलग अलग होता है। और हम बात करते हैं कि माइक्रोब से प्रोटीएज का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है और कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो कि प्रोटीएज का प्रोडक्शन करते हैं। वैसे यदि माइक्रोब्स की बात की जाए तो कुछ प्रोटोजोअन्स, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगल सेल्स और ईस्ट जो होते हैं वह प्रोटीएज का प्रोडक्शन करते हैं। इस प्रोटीएज को हम प्रोटीनेज भी कह सकते हैं। वैसे प्लांट और एनिमल से भी प्रोटीएज का प्रोडक्शन किया जाता है और यह प्रोसेस मीट मार्केट में ज्यादा डिमांडिंग में होती है, यानी प्रोटीएज की जो आवश्यकता होती है वह सबसे ज्यादा मीट मार्केट में होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटीएज का प्रोडक्शन कराना थोड़ा चीप होता है क्योंकि एनिमल और प्लांट से जब हम प्रोटीएज का प्रोडक्शन कराते हैं तो उनसे एक्सट्रैक्ट करना या एनिमल किलिंग करना कंपलसरी हो जाता है और प्लांट्स को तोड़ना भी।
हम माइक्रोब से प्रोटीएज का प्रोडक्शन करवाते हैं तो यह थोड़ा चीपेस्ट सोर्स भी होता है और कोई भी एनिमल हार्म नहीं होता, साथ ही प्रोडक्शन भी ज्यादा मिलता है और साथ ही हम कुछ समय के लिए ही अच्छे से प्रोडक्शन करा सकते हैं। तो हम अब एग्जांपल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो कि प्रोटीएज का प्रोडक्शन कराने में हेल्प करते हैं। तो कैंडिडा स्पीशीज जो होती है वह प्रोटीएज का प्रोडक्शन कराने में हेल्पफुल होती है। बैसिलस की स्पीशीज होती है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वह भी प्रोटीएज का प्रोडक्शन कराते हैं। स्यूडोमोनास भी प्रोटीएज का प्रोडक्शन कराते हैं। वहीं हेलोफिल्स, यदि हम बात करें हेलोफिल्स की, तो हेलोफिल्स में हेलिकोबैक्टर वाली स्पीशीज जो है वो प्रोटीएज का प्रोडक्शन करती है और फंगल सेल्स में एस्परजिलस ओराइजी इसका प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा यदि हम प्लांट्स की बात करें तो सरिका पपाया नाम का जो प्लांट होता है वो प्रोटीएज का प्रोडक्शन हाई लेवल पे करता है और पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन जो कि एनिमल्स के होते हैं उनसे भी प्रोटीएज का प्रोडक्शन कराया जाता है। इनमें प्रोटीएज का प्रोडक्शन जो है वो हाई अमाउंट में होता है, पर जब एनिमल से प्रोडक्शन कराया जाना होता है तब ये प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब यदि हम प्रोटीएज की एप्लीकेशंस की बात करें तो प्रोटीएज सबसे ज्यादा डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में इसलिए ताकि प्रोटीन के जो स्पॉट होते हैं उन्हें डिटर्जेंट की हेल्प से रिमूव कर लिया जाए। आपने देखा होगा कि डिटर्जेंट जो होता है उसमें कलर मॉलिक्यूल्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, ब्लू हुआ या ग्रीन हुआ, ऑरेंज हुआ, तो अलग अलग जो कलर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक अलग अलग एंजाइम्स को इंडिकेट करते हैं, यानी कि उस डिटर्जेंट में यदि कलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उस डिटर्जेंट में अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट है। डिटर्जेंट की जो एक्टिविटी है उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, बट डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा प्रोटीएज का यूज होता है ताकि क्लीनिंग और हाइजीनिक का ध्यान रखा जाए। वहीं लेदर इंडस्ट्री में भी और वुल इंडस्ट्री में भी प्रोटीएज का यूज किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री में इसलिए क्योंकि ये एनिमल स्किन से रिमूव किए जाते हैं जिसमें लेदर में एनिमल का प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी एनिमल सेल के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और उन प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए और लेदर को क्लीन और क्लियर बनाने के लिए यूज किया जाता है। आपने कभी देखा है कि लेदर में हेयर ग्रो हुए हैं? आप कोई लेदर की चीज परचेज करते हैं तो आपने देखा उसमें कभी हेयर ग्रो हुए है? नहीं, यानी प्रोटीएज के थ्रू उन एनिमल से जो लेदर एक्सट्रैक्ट किया गया है उसे हेयर्स का पूरी तरह से रिमूवल कर दिया जाता है। वुल इंडस्ट्री में भी की जाती है, वहां भी एल्कलाइन फॉस्फेटेस का यूज करके हेयर्स का रिमूव कर दिया जाता है जिससे हमें वुल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मिलता है ना कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर में। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही है। फूड इंडस्ट्री में भी प्रोटीएज एंजाइम का यूज होता है और फार्मास्यूटिकल्स में भी इसका यूज होता है। साथ ही प्रोटीएज का यूज सिल्वर रिकवरी में भी किया जाता है। एल्कलाइन प्रोटीएज जो होता है उसमें ये पोटेंशियल होता है कि वह बायोप्रोसेसिंग के थ्रू एक्सरे फिल्म से सिल्वर की रिकवरी कर ले। ये एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करता है जिलेटिन लेयर का जिसके कारण सिल्वर की रिकवरी होती है, साथ ही पॉलिएस्टर फिल्म जो होती है वह भी रिसाइकल हो जाती है। एल्कलाइन प्रोटीएज के कारण हम जिलेटिन कोटिंग होती है जो कि एक्सरे फिल्म पर होती है उससे हम सिल्वर की रिकवरी भी करते हैं, साथ ही वह एक्सरे फिल्म का जो पेपर होता है या जो जिलेटिन पेपर होता है वो रिसाइकल भी हो जाता है। अब बात करते हैं कि प्रोटीएज का यूज इंडस्ट्रीज में यानी फूड इंडस्ट्री में किस प्रकार किया जाता है। तो वैसे तो फूड इंडस्ट्री में मीट जो मार्केट होता है या मीट इंडस्ट्री होता है वहीं पर सबसे ज्यादा इसका यूज होता है क्योंकि डाइजेस्ट करना होता है रॉ मीट को और उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ब्रेक करके लॉन्ग टाइम प्रोसेस के लिए वह यूजफुल रहे ऐसा बनाने के लिए उन्हें प्रोटीएज एंजाइम के साथ उन्हें एक्टिविटी करानी पड़ती है जिसकी वजह से स्पेसिफिक और फेवरेबल जो कंडीशंस होती है वह मिलने पर यह मेटाबोलाइज हो जाता है और हमें एक अलग तरह का टेस्ट वाला या लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला मीट मिलता है। जो हाई प्रोटीन रिच मीट होता है उसका एक नया फॉर्म मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बोले कि चिकन पी प्रोटीन जो कि हाइड्रोलिसिस के द्वारा बना हुआ है। अब मेडिकल एप्लीकेशंस की बात करें
तो मेडिकल एप्लीकेशन में ये मेटाबॉलिज प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे ब्लड कॉलेजन्स के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, कई सारे सोर्सेस में जहां प्रोटीन का एक्सेस फॉर्मेशन हो रहा है उसे डिग्रेड करने के लिए या उन्हें फाइब्रोजन में बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब तक तो हमने बात की एप्लीकेशंस की, अब हम बात करते हैं कि इसका कैसे आइसोलेशन किया जाता है। और आइसोलेशन जो होगा वो लेबोरेटरी लेवल पे किया जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेन को आइसोलेट करना होता है। और हम ये स्ट्रेन कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं? जी हाँ, या तो हमें उसका सोर्स पता हो कि इस सोर्स से पक्का हमें हमारा प्रोटीएस एंजाइम प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स मिल जाएगा, या फिर एक यूनिवर्सल सोर्स के फॉर्म में हम यूज करते हैं सॉइल को और एयर को। तो वैसे मेनली हम सॉइल को ही यूनिवर्सल सोर्स मानकर हम उसे यूज करते हैं, जिससे हमें अलग अलग टाइप के प्रोटीएस प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले और उनका हम आइसोलेशन कर पाए। तो चलिए आइसोलेशन की प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोबियल आइसोलेशन करने के लिए, यानी प्रोटीएस प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स को आइसोलेट करने के लिए, सबसे पहले हमें मीडिया प्रिपेयर करना होगा। और ये मीडिया नॉर्मल हमारा न्यूट्रिएंट अगार मीडिया होता है, बट अब प्रोटीएस है यानी कि प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम है, तो न्यूट्रिएंट अगार में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाना होगा, यानी कि ऐसा कल्चर तैयार करना होगा, ऐसा मीडिया तैयार करना होगा जिसमें प्रोटीन सब्सटेंस हो। अब हम जब कल्चर मीडिया की बात करते हैं तो हम सबसे चीपेस्ट सोर्स की बात करते हैं कि कोई चीपेस्ट सोर्स हम ले लें, यानी कि या तो हम कोई अमीनो एसिड्स ले लें इसमें, या प्रोटीन का कोई और फॉर्म ले लें। तो प्रोटीन का एक हम फॉर्म ले सकते हैं, हम एग शेल्स ले सकते हैं, हम एल्बुमिन ले सकते हैं और हम केसीन भी ले सकते हैं। यानी ये तीनों प्रोटीन के फॉर्म है और यह जटिल, कहा जाए तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जिसे तोड़ने के लिए माइक्रोब्स को अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रोटीएस प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइसोलेशन की बात हो रही है, तो माइक्रोब्स इतना प्रोटीएस प्रोड्यूस करते हैं कि वो उनके लिए भी मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करे, साथ ही एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्शन होने की वजह से हम इसे आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं, यानी कि उसका यूज हम आसानी से कर। हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं, वही प्रोसीजर है कि सबसे पहले हम मीडिया को वे करेंगे, उसे हीट करके डिसॉल्व करेंगे, देन उसे स्टेलाइज करेंगे ऑटोक्लेव में। स्टेलाइज होने के बाद हम यहाँ भी अगार प्लेट्स का यूज करेंगे, क्योंकि ब्रॉथ का यूज करने पर हमें अलग अलग स्पीशीज के बारे में पता नहीं चलेगा, तो हम उसके लिए अगार प्लेट्स का हम यूज करेंगे। अगार प्लेट्स प्रिपेयर करने के बाद हम उसे सॉलिडिफाई होने के लिए रख देंगे, फिर हम सॉइल के सीरियल डाइल्यूशन बनाएंगे। सीरियल डाइल्यूशन बनाने के बाद हम लास्ट के जो सीरियल डाइल्यूट्स हैं उनका यूज करेंगे इनोकुलम की तरह। इनोकुलेशन करने के बाद हम इसे क्या करते हैं कि फिर स्प्रेड कर देते हैं पूरी प्लेट पर, फिर 24 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पर हम इसे इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेशन के बाद हम उसका रिजल्ट देखते हैं। अब रिजल्ट में कुछ तो कन्फर्मेशन करना होता है के लिए, यानी कि ये पता करने के लिए कि हमारे माइक्रोब्स में प्रोटीएस का प्रोडक्शन किया है या नहीं, हम एक कंफर्मेशन टेस्ट लगाते हैं। इस कंफर्मेशन टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि कौन से माइक्रोब्स के द्वारा प्रोटीएस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये कंफर्मेशन टेस्ट HgCl2 की हेल्प से लगता है, यानी कि 0.1% वाला HgCl2 सॉल्यूशन बनाते हैं और उसे प्लेट पर पोर करते हैं। पोर करने के बाद उसे 5 to 10 मिनट के लिए स्टैंड बाय पे रखते हैं, जिसके कारण वह आसानी से रिएक्ट कर जाए। उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पर क्लियर जोन मिला है, यानी जहाँ क्लियर जोन होगा वहां पर हमारे माइक्रोब्स ने प्रोटीएस का प्रोडक्शन किया है। और ये प्रोडक्शन के बाद हम उस माइक्रोब्स को आइसोलेट करते हैं और उनकी मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल टेस्टिंग करते हैं। इन मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल टेस्टिंग के बाद इनका इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल के लिए हम अब का यूज करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, और उसका अमाउंट धीरे 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 इंक्रीज करते जाएंगे। जब हम बायो रिएक्टर पर फंक्शन करेंगे, जब तक हम इनोकुलम का साइज इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वह बहुत अच्छे से मिले और हमारे प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। जब प्रोडक्शन का टाइम और उसकी लिमिटेशन कम्प्लीट हो जाती है, फिर हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन, प्यूरिफिकेशन और इन सारी मेथड से हम प्रोटीएस का आइसोलेशन करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जैसे जैसे उसका यूज होना है उसे हम पैकेजिंग के थ्रू या डिफरेंट काइंड ऑफ
फॉर्म में हम उसे सप्लाई करते हैं। ये ओवरऑल था प्रोटीएज का आइसोलेशन और उसके प्रोडक्शन के बारे में। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।